हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। और देखिए, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कल के वीडियो में भी मैंने किया था, आज फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप वैक्सीन लगवाइए। सरकार ने 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए वैक्सीन की परमिशन दे रखी है। आप अपने नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल है जहाँ वैक्सीन लग रही है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और तुरंत वैक्सीन लगवाइए, ताकि आप सुरक्षित रहें और आपकी पढ़ाई सुचारू चलती रहे। और चूंकि अभी स्कूल्स में बाध्यता नहीं है कि आप स्कूल आएं और पढ़ें, हम ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। आप ऑनलाइन हमसे जुड़े रहिए, रोज़ की रोज़ पढ़ाई कीजिए। आज मैं आपकी जो 10th की बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर नंबर 7, जो कि आपके कोर्स में है इस बार और हमेशा से है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसमें 3 स्टोरीज है, अ बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग एंड टी फ्रॉम आसाम। तो ये तीनों हम देखेंगे। आज मैं आपके साथ शुरू कर रही हूँ अ बेकर फ्रॉम गोवा, ठीक है ना? इसका कुछ हिस्सा हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए मैं शुरू करवाती हूँ आपको ये स्टोरी। हियर वी गो, ठीक है ना? बेकर फ्रॉम गोवा लुइसो रॉड्रिग्स द्वारा लिखी गई है, और ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो गोवा में रहता है और अपने पुर्तगालियों को पूर्वज समझता और अपने आप को उनकी संतान या उनके फॉलोवर्स मानने पे गर्व महसूस करता है। तो ये एक बेकर की स्टोरी है। दिस इज अ पैन पोर्ट्रेट। पैन पोर्ट्रेट मतलब लिखित चित्र जो है, ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर, गोवा के एक गांव के बेकर का एक पैन पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट क्या होता है? पूरा आदमकद चित्र। तो ये उसका पोर्ट्रेट है जिसमें उसके बारे में बात बताई जाएगी। हु स्टिल हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन दिस सोसाइटी। वो बेकर का अभी भी इस हमारे समाज में बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्थान है, और वो क्या सोचता है, कैसे क्या करता है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। आर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, द पोर्टुगीज एंड द फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आज भी बड़ी ही चाव से और भावनापूर्वक तरीके से पुराने पुर्तगाली शासन के दौरान जो दिन थे उनको याद करते हैं, जब गोवा पुर्तगाल के अंडर में था। आपको बता दूं मैं, जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, गोवा में पुर्तगालियों का शासन था, और अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी 1971 में पुर्तगाल ने गोवा को आज़ाद किया था, लेकिन अभी भी जनता वहाँ की जो है मन से अपने आप को पुर्तगाली ही मानती है, कि हमारे जो पूर्वज हैं वो पुर्तगाली थे। तो यूं करके वो हर चीज़, क्योंकि गोवा छोटा सा जगह है और वहाँ सारी वो चीज़ें हैं जो पुर्तगालियों द्वारा बनाई गई हैं, सारे चर्चेस वगैरह हैं, पार्क्स एंड ऑल जो भी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि वो कल्चर भी गोवा पुर्तगीज कल्चर को फॉलो करते हैं गोवा वाले। तो अपने आप को पुर्तगीज मानने में वो फक्र महसूस करते हैं। तो ये यहाँ कह रहा है कि हमारा जो लेखक है, हमारे जो पूर्वज हैं, लेखक कह रहा है हमारे जो पूर्वज हैं वो बड़े ही भावनापूर्वक तरीके से अपने पुराने पुर्तगाली दिनों के और पुर्तगाली लोगों को और उनके फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, क्योंकि विदेशी जो है, देखिए रोटी सिर्फ भारत में चलती है, अलग अलग तरह की रोटी खाते हैं हम, लेकिन भारत के बाहर ज़्यादातर दुनिया जो है, जो देश है, वो ब्रेड खाते हैं। तो वो पुर्तगाली भी वहाँ ब्रेड खाते थे और ब्रेड बनता था, तो वो लोव्स ऑफ ब्रेड हैं, भरी भरी ब्रेड वो याद करते हैं। दीज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड, कि ईटर्स ऑफ लोव्स यहाँ किसके लिए आया है? ईटर्स ऑफ लोव्स वैनिश्ड, वैनिश मतलब चले गए हों, दृष्टि से खत्म हो गए हों पुर्तगालियों के लिए, कि पुर्तगाली भले ही चले गए, द मेकर्स आर स्टिल हियर, लेकिन ब्रेड बनाने वाले अभी भी यहाँ हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सचर्स, मिक्सर्स, द मोल्डर्स
एंड दोज हु बेक द लोव्स, कि हमारे बीच आज भी वो लोग रह रहे हैं, कौन, ब्रेड का जो बैटर होता है, जो पूरा सामग्री होती है वो मिक्स करने वाले, द मोल्डर्स, केक बनाने के बर्तन जो होते हैं उसको मोल्ड कहते हैं, तो मोल्डर बनाने, मोल्ड बनाने वाले, एंड दोज हु बेक द लोव्स, और जो केक के ब्रेड के बेकर्स हैं वो आज भी हमारे बीच हैं, दोज ओल्ड एज, एज ओल्ड, टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, फर्नेस होते हैं भट्टी, जो चूल्हा या भट्टी होती है ना उनको कहते हैं फर्नेस, तो वो सदियों पुरानी जो भट्टियाँ हैं जिन्होंने अपने आप को समय पर की कसौटी पर चेक किया है वो अभी भी विद्यमान है, द फायर ऑफ द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, कि उन भट्टियों की जो आग है वो अभी बुझी नहीं है, एक्सटिंग्विश्ड, बुझी। थर्ड, द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हैरल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, तो जो ट्रेडिशनल बेकर्स हैं वो चलते हुए बांस की लकड़ी लेके चलते हैं, तो उनके आने की आहट कौन अनाउंस करता है, वो बैम्बू, वो लकड़ी को रोड पे बजाते हुए चलते हैं ना, तो पता, लोगों को दूर से पता चल जाता है कि बैम्बू बेकर आ रहा है ब्रेड बेचने के लिए, तो हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, की अभी भी पुराने जमाने की तरह गोवा के कुछ हिस्सों में आज भी उनके आने जाने का वो जो ट्रेडिशनल तरीका है वो आज भी सुना जा सकता है, मे बी द फादर्स आर नॉट अलाइव, हो सकता है कि उनके पिता जिंदा नहीं है, मतलब उनके पूर्वज नहीं है, बट द सन स्टिल कैरीज द फैमिली प्रोफेशन, प्रोफेशन कामकाज व्यापार, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो अपने फैमिली प्रोफेशन को आज भी जिंदा रखे हुए हैं, वो अपना जो फैमिली व्यापार है उसको आज भी बनाए हुए हो, और गोवा में फैमिली व्यापार कौन सा है, बेकर, दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा, गोवा में बेकर्स के लिए पैडर वर्ड यूज़ किया जाता है, और विशेषली, विशेष तौर पे स्पेशली ये पैडर शब्द एक पुर्तगीज वर्ड है जो बेकर के लिए यूज़ होता है, तो गोवा में आज भी ये पुर्तगीज वर्ड बेकर के लिए काम में आता है, ड्यूरिंग आर चाइल्डहुड इन गोवा, अब लेखक कहते हैं कि हमारे बचपन के दौरान गोवा में द बेकर यूज टू बी आर फ्रेंड, कि वो बेकर जो है वो हमारे दोस्त हुआ करते थे, कंपेनियन, साथी एंड गाइड, और हमारे गाइड हुआ करते थे, ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, कि बेकर जो है वो दिन में दो बार हमारे वहां आया करता था, कब कब, वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, जब वो सुबह सुबह ब्रेड बेचने के लिए वहाँ से निकला करता था तो रास्ता वही था, वो आता था हमारे वहाँ, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, बहुत बड़ी सी बास्केट लेके ब्रेड से भरी हुई वो सुबह निकलता, एक राउंड चक्कर तब होता, और जब लौट के आता खाली बास्केट लेके तो दूसरा बारी तब होती, एंड देन ओके द जिंगलिंग थड ऑफ हिज बैम्बू वो कासा फ्रॉम स्लीप, और शाम के समय जब वो लौट के आता, चाहे सुबह हो या शाम को, सुबह बच्चे सो रहे होते तो वो बांस की जो लकड़ी की आवाज़ थी वो उनको उठाती, और दोपहर में जब वो खाली ब्रेड का वो बास्केट लेके आता तब उसकी बांस की लकड़ी जो है वो उसकी ठक ठक की आवाज़ जो है वो उन बच्चों को नींद से उठा देती, वी रेन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और बच्चे भाग के दरवाजे पे जाते उससे मिलने और उसका अभिवादन करने के लिए, वाई वॉज इट सो, कि ऐसा क्यों करते हम, वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, कि क्या हम ब्रेड के लिए वहाँ जाते थे, नो नॉट एट ऑल, कि नहीं हम ब्रेड के लिए वहाँ नहीं जाते, द लोव्स वर बॉट बाय सम पास्किन और बेस्टिन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, घर में, ये देखिए ये वर्ड है पास्किन और बेस्टिन, ये भी पोर्टुगीज वर्ड है जो एक मेड सर्वेंट होती, मेड होती नौकरानी, नौकरानी के लिए पास्किन या बास्टिन होता है, तो वो कहता है कि हम ब्रेड लेने नहीं जाते थे, हमें कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ब्रेड तो कोई भी पास्किन या बास्टिन खरीद के ले आती थी, व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच ही वी चोज केयरफुली, कि हम किस लिए जाते थे,
कि हम वो ब्रेड के बैंगल्स जो थे गोल गोल, उनको चूज करते थे बहुत ध्यान से। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कई बार तो वो मीठी ब्रेड होती थी जिसके के लिए हम वहाँ जाते थे। तो बच्चों आई होप आपको कहानी में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ होगा। तो देखिए ये कहानी उन इंडियंस की है जो आज भी गोवा में रहते हैं और अपने आप को पुर्तगालियों की संतान मानते हैं, तो ये उनके मनोदशा की कहानी है। तो हम कल इस कहानी को कंप्लीट करेंगे, फिर बनी रहिएगा मेरे साथ। अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, मास्क पहनिए और कोरोना से सुरक्षित रहिए। घर में हैं, पढ़ाई कीजिए, ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए और टीका ज़रूर लगवाइए, वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। थैंक यू।